ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, संत कबीर का ये बड़ा ही मशहूर दोहा है, जिसका मतलब आसान है कि हम जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर हमने पूरी जिंदगी अपराध किया तो हमें कोई वीर चक्र से सम्मानित नहीं करेगा, बल्कि हमारा अंत एक अपराधी की तरह ही होगा। और हर बुरे का अंत बुरा ही होता है, उसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसने जरायम की दुनिया में कदम रखा, राजनीति से तालमेल बिठाया और उसके बाद कई आपराधिक कृत्यों को अंजाम दिया। मुख्तार का ऐसा बोलबाला था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले, चाहे वो कितना भी बड़ा तुर्रम खां ही क्यों ना हो। जिस रास्ते से मुख्तार गुजरता कर्फ्यू जैसे हालात बन जाते, सिवाय उसके समर्थकों के किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर निकल सके, उसका विरोध कर सके। सिस्टम में बैठे बड़े से बड़े अधिकारी मुख्तार को सलाम ठोकते थे, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का अंत होता है और जैसा आप करेंगे आपका अंत वैसा ही होगा। मुख्तार का अंत कैसे हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको उसी मुख्तार की कहानी बताएंगे जिसकी एक जमाने में तूती बोलती थी। मुख्तार ने जरायम की दुनिया में कैसे कदम रखा और देखते ही देखते कब बाहुबली बन गया, और उसके बाद मुख्तार का जवाल कब से शुरू हुआ और फिर जेल तक का सफर कैसे तय किया, सारी कहानी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। वो खुद गुनाह की दुनिया का बादशाह था, गुलाम भी उसी का, बेगम भी उसी की, हर एक का उसके इशारों का मोहताज था। जिसके इशारे के बगैर पूर्वांचल में शिलान्यास की एक ईंट भी नींव में नहीं रखी जाती थी, जिसके इशारे के बगैर कोई ठेका पट्टा नहीं बटता था, आज उसी बाहुबली की कहानी हम बताएंगे। साल 2017, योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो गुंडे हिस्ट्री शीटर सबको सख्त संदेश भेजा था, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश। उसके ठीक 3.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के सबसे बड़े हिस्ट्री शीटर से उसके गुनाह का एक एक हिसाब चुकता किया जा रहा है। आज हम आपको उस मुख्तार अंसारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जब मुख्तार अंसारी का गुंडा राज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था, गोली बंदूक तमंचे राइफल से खेलने का उसे जबरदस्त शौक चढ़ा था। अपनी धाक जमाने के लिए डर और आतंक फैलाने का शौकीन था मुख्तार अंसारी। वो जब चलता था तो साथ में चलते थे गुर्गों के गैंग, पिस्टल और बंदूकें लहराते हुए बड़े बड़े काफिलों के साथ। उसके आने की खबर हवाओं को पहले लग जाती थी, टोल के रास्ते खुद बखुद खुल जाते थे जैसे उसका इस्तकबाल हो रहा हो। उसके काफिले को रोकने की जरूरत किसी में नहीं होती थी। मुख्तार गैंग का आतंक कुछ इस कदर था कि गुंडा टैक्स वसूली हफ्ता दिने से मना करने वालों को मौत की सजा दी जाती थी। शराब के ठेकों से लेकर सरकारी ठेके तक सिर्फ उसी की हुकूमत का इक्का चलता था। उसके दौर में उत्तर प्रदेश में हत्या लूट अपहरण फिरौती जैसे संगीन अपराध क्रिमिनल्स की इकोनॉमी मजबूत करने लगे। बनारस से बलिया तक, गाजीपुर से जौनपुर तक, मऊ से कानपुर तक मुख्तार अंसारी के खौफ का डंका बज रहा था। 70 के दशक में सरकारी ठेके पर एक छत्र राज होता था साहिब सिंह गैंग का। सरकारी मुलाजिम सीधे उसके चरणों में गिरकर ठेकेदारी उसके नाम कर देते थे। उस वक्त ठेकेदारी में सिंधमारी के लिए कई गैंग एक्टिव थे। साहिब सिंह गैंग से अक्सर मुख्तार गैंग का पंगा होता रहता था। 80 का दशक आते आते खूनी खेल चरम पर पहुंच गया। साहिब सिंह गैंग से ब्रजेश सिंह अलग हो गया और ऐसा गैंग तैयार किया जिसका सीधा मुकाबला मुख्तार गैंग से था। 1990 के दशक आते आते सिर्फ 2 गैंग बचे, मुख्तार गैंग और ब्रजेश सिंह गैंग। इस गैंग का रेलवे, कोयला, खनन, शराब और दूसरे ठेकों में जबरदस्त बोलबाला हावी हो गया। पहली बार 1991 में मुख्तार अंसारी चंदौली पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन मुख्तार ने 2 पुलिस वालों के सीने में गोलियां उतार कर उनकी सांसें छीन ली और भाग निकला। 1995 आते आते मुख्तार मोस्ट वांटेड बन चुका था। उसे समझ में आ चुका था कि अगर बाहुबली और मोस्ट वांटेड होकर भी पुलिस और कानून से बचना है, उनसे आंख में चौली खेलनी है, तो सियासत की शरण में जाना होगा। राजनीति खून मांगती है, जिसके हाथ खून से सने होते हैं वो सियासत की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। इसीलिए 1995 में उसे राजनीति में एंट्री मिल गई।
1996 में मुख्तार ने बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और मऊ से विधायक बन गया। 1996 में मुख्तार ने तत्कालीन एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला किया। इसी साल उसने कोयला व्यापारी रुंगटा का अपहरण कर लिया। 1997 तक देश में मुख्तार के खौफ की कहानियां सुनाई जाने लगी। 2002 आते आते पूर्वांचल से ब्रिजेश सिंह का खौफ एक तरीके से खत्म सा हो गया था और अकेला मुख्तार पूरे पूर्वांचल पर हुकूमत करने लगा था। कुछ महीनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद फिर से ब्रजेश सिंह की वापसी हुई। तभी बीजेपी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को चुनाव मैदानों में शिकस्त देने के लिए बीजेपी के कृष्णानंद राय को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद पूर्वांचल को मुख्तार अंसारी ने दंगों की आग में झोंक दी। मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी चुनाव हार गया, कृष्णानंद राय चुनाव जीत गए। इसके बाद पूर्वांचल को मुख्तार अंसारी ने दंगों की आग में झोंक दी। मुख्तार को गिरफ्तार किया गया और 2005 में उसे जेल हो गई। लेकिन मुख्तार अपने भाई की हार का बदला लेने के लिए जल रहा था। उसने अफजाल अंसारी को हराने वाले कृष्णानंद राय की सरेराह हत्या कर दी। कृष्णानंद राय के शरीर में एक या दो नहीं 400 गोलियां उतार दी गई थी, यानी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या हुई। इस काम में उसकी मदद करने वाले थे मोस्ट वांटेड मुन्ना बजरंगी और अतिकुर रहमान। 2006 में कृष्णानंद राय की पत्नी ने मुख्तार के खिलाफ दोबारा एफआईआर दर्ज करवाई। मुख्तार अंसारी का खौफ इतना हावी था कि कोई भी पुलिस वाला उसके गिरेबा पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचता था। उसका कट्टर दुश्मन ब्रजेश सिंह उसके खौफ से पूर्वांचल छोड़कर भाग गया, जिसे 2008 में ओडिशा से पकड़ा गया। 2009 में मुख्तार अंसारी ने बनारस से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोका, हार गया तो मायावती ने उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुख्तार अंसारी के पिता का नाम था सुभानुल्लाह अंसारी, उसके बाबा का नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। उसकी फैमिली शुरू से ही पैसों से बहुत पावरफुल रही, या यूं कहे अमीर घरानों से मुख्तार के पैदाइशी रिश्ते रहे। मुख्तार अंसारी के बाबा किसी जमाने में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। भाई अफजल कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 4 बार चुनाव जीत चुका है। भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी ने किस तरीके से जरायम की दुनिया में अपनी धाक जमाई। लेकिन कहते हैं ना कि बुरा का अंत बुरा ही होता है। 2 साल पहले बांदा जेल में मुख्तार को लाया गया। बांदा जेल से ही मुख्तार की कोर्ट में पेशी होती रही और वह दिन भी करीब आ गया जब मुख्तार ने मौत का मजा भी चख लिया। और इस तरह से अब मुख्तार के साथ साथ उसके जरायम के चैप्टर भी हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया।